सुन लीजिए, बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा है जितना हमारे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरी है। अच्छा बता दे रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार का फेंका हुआ थरिया था कि चाट के डिप्टी सीएम बन गए। जनता बनेगा, देश के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो सुन लीजिए भाई, आपके माध्यम से या तो आप आधा बाल कटवाइएगा, नहीं तो हम बोलिए। घिढारी करने में मन लगता था, अगले बार घिढारी किए थे, घिढारी गेठी जोड़े थे, गेठी टूट गया था, अब दर्द हो रहा है। एक काम चाहिए, एक फैक्ट्री बैठाइए और दूसरा सरकारी नौकरी। ये नहीं कि पैसा लगे सरकारी नौकरी दे दी आरजेडी वाला, लेबर मजदूर डेली। अब लाल टेल का जमाना गया भैया, आप सबके पास देखिए इलेक्ट्रिक वाला है, यही है, देखिए यही है आरजेडी वाले। घोटाला करेंगे, चलते बढ़ेंगे। सुन लीजिए भैया, ये भैया तीन बात हुआ। मनीष कश्यप निकले बोले सरकार गिरा देंगे। अच्छा, उतना दिन से काहे नहीं बोले थे, जेल से निकलने के बाद क्यों बोले? नहीं, वो पहले ही बोले थे। एक मिनट, वो पहले ही बोले थे कि हम अगर जेल गए तो आने के 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। अब सुन लीजिए, पहला गलती वो क्या किए तेजस्वी यादव जी, सुन लीजिए। मनीष कश्यप को जेल भेजा के दाबने की आवाज कोशिश के, पहले सुन लीजिए। मनीष कश्यप को जेल तेजस्वी यादव कैसे भेजा, ये चीज नहीं ना लीगली बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, लीगली नहीं। जब बहाली निकाले आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो उसके बाद ही सरकार क्यों गिरा? क्योंकि आधा के शिक्षा के पता नहीं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। साइड से पैसा जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है। और सुन लीजिए, जो टीचर आप बहाली किए जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ये आप देखें कि हमारी जनता को वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है। जैसे टीचर आप बहाली कर दिए, तो पहले स्टूडेंट मान लीजिए 60 जाता था। मेरा कहने का मतलब, जब हम टीचर बहाली कर रहे हैं, सुनिए ना, अरे भैया पास से क्यों लिया परीक्षा, आप बताइए। बीपीएससी से पब्लिक कमीशन से लिया तब बहाल हुआ। पैसा के बिहार है, सुनिए ना बिहार में पैसा के दम पर विधायक बदल जाता। बीपीएससी लिया परीक्षा क्यों, तुम झूठा। सुनिए ना, कितना पैसा मिला है, कितना पैसा मिला आपको? आरजेडी लगा दिया आपको? दिया भैया पैसा दिया। वो टीचर में घोटाला किए होंगे, नहीं किए तो पलटी काहे कर गए? अरे उसको काहे कर गए? आप सुन लीजिए, दूसरा चीज सुन लीजिए भैया, ससुराल कुछ तो अंत रहवे ना करेगा, कुछ तो अंत रहवे करेगा। सुन लीजिए, नाली का कीड़ा नालिये में सोमता है, वही है साहब। सुन लीजिए, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। सुन लीजिए, बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा है जितना हमारे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरी है। नीतीश कुमार ने एक बार मौका दिया तेजस्वी यादव को कि शायद संभल जाओ, लेकिन कुछ नहीं। ये तो डॉलर वाले हैं, विदेश में पैसा बहुत। तेजस्वी यादव बिहार के जो भी तेजस्वी यादव तो है ही, खत्म, इनका जनरेशन ही खत्म है। लालू जी भी खत्म है शुरू से। उनका जो शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कुछ शिक्षा के बारे कुछ आता पता नहीं है, उसको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। जितना चोर उच्चक्का है वही मंत्री तेजस्वी बना हुआ है। अब सुनिए भैया, अभी देखिए, बता दे रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। ये नीतीश कुमार, सुन लीजिए, नीतीश कुमार का फेंका हुआ थरिया था कि चाट के डिप्टी सीएम बन गए। सुन लीजिए, नहीं तो उनकी पाव अब ये जीतनराम मांझी के पैर में गिर गए। जनता बनेगा, देश के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो सुन लीजिए भैया, आपके माध्यम से या तो आप आधा बाल कटवाइएगा, नहीं तो हम बोलिए। सुन लीजिए, जनता समझदार हो गया, जनता को चाहिए विकास। अब MSOकरण नहीं चलेगा, वो अब खत्म हो गया है। ए भैया सुन लीजिए, पप्पू जेठ है, कौन है पप्पू जेठ है? ये सुनिए, तेजस्वी की सरकार जब बनी होगी ना, जैसे भेंट नहीं होगा, ये सब डेट हो जाएगा, ये सब भेंट नहीं होगा, डेट हो जाएगा। पप्पू जेठ है, सब कौन है पप्पू जेठ? ठीक है, इन लोगों को इतिहास बिहार की राजनीति की इतिहास नहीं मालूम है कि यही लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में जो पहल किया है, जो राजनीति को पैदा किया है। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जानती है कि बिहार से चालू होता है और बिहार में खत्म होता है। सुन लीजिए, तेजस्वी यादव है, AIM में तीन गो विधायक क्या खरीद लिए, चार गो में तीन गो। बिहार के इतिहास हम जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है। और सुन लीजिए, अभी बच्ची जो जन्म ली है, ऐसा जब जनता रहेगा ना, तो अभी दूधे पीरे माँ के उसको भी लोग मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। ये लोग ऐसे है मानसिकता वाले कि देखिए भैया, बिहार की जनता
बिहार का जो महागठबंधन है नीति न सिद्धांत है बिहार की पब्लिक विकास चाह रही, जातिवाद नहीं चाहिए, धर्म से बढ़ के वोट दीजिए जो आपके राज्य में काम करे बस। फूल बहुमत से सुन लीजिए और एक चीज हम आपके माइक के माध्यम से बता दे, भैया बिहार में कोई भी अपने दम पे सरकार नहीं बनाएगी, जो भी बनेगा दुगो के साथ बनेगा जो भी रहे। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी आए के विधायक के खरीदने चलते हैं, आइए ना भैया। क्या बोलो जा रहे हैं? घिडारी करने में मन लगता था, अगले बार घिडारी किए थे, घिडारी गेठी जोड़े थे, गेठी टूट गया था, अब दर्द हो रहा है। सुन लीजिए भैया, इनका लालू यादव जी का भी ऐसा ग्रह चल रहा है कि अपने आदरणीय बेटी को ब्याह करवाई यूपी में अखिलेश यादव का, वहाँ भी सरकार गिर गया। नोट करिए अभी शनिचरा छाया हुआ है। लालू जी का हम यादव का नेता है, यादव के बेटी बहू का चंद्रिका यादव को बेटी उसको छोड़ दिया है, कृष्ण के लिए कहाँ यादव को गरीब के बेटी के शादी किया है भैया। इस समाज अब सब यादव लोग या कोई भी जात सब समझदार हो गया भैया, अब जातिवाद से हट के वोट देगा, सबको विकास चाहिए। सब यादव तो आधा दूध है पानी बेचा, क्या फायदा है? आप यादव हो के 400 करोड़ कमा लिया, हम यादव हो के रोडे पर है, मेरे लिए क्या किए? अब नहीं चलेगा, पब्लिक समझदार हो गया भैया, इस बार फूल बहुमत से। आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचार बहुत छार है बिहार में, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो क्या अब लगता है कि नीतीश जी का जो सरकार है, देखिए हमारे चाहने से वो बिहार को आगे ले जाएंगे तरक्की की ओर। देखिए सुनिए भैया, यदि बीजेपी की सरकार आए और नीतीश जी की सरकार आए तो दो मांग, पहला डबल इंजन का सरकार हो गया, विकास दो ही काम चाहिए, एक फैक्ट्री बैठाइए और दूसरा सरकारी नौकरी। ये नहीं कि पैसा लगे सरकारी नौकरी दे दी आरजेडी वाला, लेबर मजदूर डेली आरजेडी। अब लालटेन का जमाना गया भैया, आप सबके पास देखिए इलेक्ट्रिक वाला है, लालटेन लेके नहीं घूमेगा। नहीं नहीं, अब लालटेन कहाँ भैया, दिखावा तो जरी, कहाँ है लालटेन? हम आरजेडी के कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। अरे हम चाहते हैं, हम चाहते हैं जितना भी देश के राज क्षेत्रीय पार्टी सब खत्म होना चाहिए और राष्ट्रीय दो ही पार्टियों से कांग्रेस और भाजपा होना चाहिए।